नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत कर छी मु स्मृति लग्ना प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपर टोक्यो ओलंपिक्स रे हारिला भारतीय पुरुष हॉकी दल सेमीफाइनल रे 5-2 गोल रे विजय होई छी बेल्जियम ब्रोंज पई खेलिबो भारत जंगल मंत्री विक्रम आरुक्क नारे संगीन अभियोग आणिले सौम्यंक बापा कहिले अभियुक्त को घंट घोड़ाउछन्ति विक्रम घटनार 22 दिन परे भी नो एक्शन सेपटे आज विद्या को पचरा उचरा पई उदोलारे पहुंचिछि तदंतकारी टीम चाकरी विदा हेले कोटिपति पीएस बिरंची साहू दियागला बाध्यतामूलक अवसर एपटे पुणी आसिला सानी अभियोग आरटीआई तथ्यरु सामना को आसी सांघातिक सत कम मार्क रखुवा पिला सिलेक्ट अधिक मार्क रखुवा पिला रिजेक्ट श्रीमंदिर व्यतीत पुरी में आज खोला हेब समस्त धर्मानुष्ठान और पर्यटन स्थली महाप्रभु दर्शन में भक्तों प्रवेश नहीं पूर्व भली जारी रहिबो कटकणा सेपटे आज संबलपुर श्रद्धालु को दर्शन देवे मां समले जाजपुर टाउन अंकुलारे मद दोकान खोलिबा को विरोध स्कूल और मेडिकल परिसर में मद दोकान को ना सेपटे मद दोकान पर लांच जाचुवा कांग्रेस नेतांकर फोन रेकर्डिंग वायरल पंड हेला नाबालिका को बाहा करी दुबई पठाइबा योजना झियो को बिक्री करिबारो योजना रचिथिला मां बापार अभियोग परे नाबालिका को उद्धार कले बीजेपी नेत्री नाबालिका झियो को चाइल्ड लाइन को हस्तांतर कला पुलिस संपूर्ण खबर को आसीबा टोक्यो ओलंपिक्स पुरुष हॉकी सेमीफाइनल रे बेल्जियम थारू परास्त होईछि भारत तबे हाई वोल्टेज मैच रे भारत को 5-2 गोल रे परास्त करिछि बेल्जियम एथि सहित 49 वर्ष पर सेमीफाइनल रे प्रवेश करथिबा पुरुष हॉकी दल सेमीफाइनल रे परास्त होई जाइछि प्रथम रु कड़ा टक्कर देखिबा पाए मिलिथिला किंतु शेष भाग रे लगातार दुईटी गोल दे भारत को बैकफुट को ठेली देथिला बेल्जियम एबे ब्रोंज पदक पाए भारत खेलिबो परवर्ती खबर को आसीबा एसएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें चर्चा रे राज्य सरकार को पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर विक्रम केसरी आरुख डीएफओ संग्राम बेहरा को विक्रम केसरी आरुख घंट घोड़ाउथबार सांघातिक अभियोग आणिले सौम्यरंजन को परिवार लोके आउ न्याय पाई हाईकोर्ट जिबा को चेतावनी एपटे चाप पर विद्या को द्वितीय थर जेरा करिबा पाई प्रक्रिया आरंभ कर देछि गजपति पुलिस निश्चित हिसाबर यार पूरा से जंगल विभाग मंत्री से विक्रम आरुक आउ से डीएफओ आने सब टोटाल संपुक्त यार अच्छा एससीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें सांघातिक अभियोग डीएफओ संग्राम बेहरा को सुरक्षा देखते खोद जंगल और परिवेश मंत्री विक्रम केसरी आरुक विक्रम को सुरक्षा रही डीएफओ आ घटना को 21 दिन बीती जाता बेले न्याय दे सरकार सौम्य बापा का अभियोग डीजीपी अभय प्रतिश्रुति न्याय दे पीसीसीएफ प्रतिश्रुति न्याय दे मुख्यमंत्री का अभियोग प्रकोष्ठ में गुहारी करी गुहारी शुणिले ना आईन मंत्री को जनईलु न्याय पाइलु ना सौम्य बापा अभियोग कराए विद्याभारती डीएफओ और रोसैया मोबाइल जांच है एसपी आरंभ कर आईआईसी पर्यंत समस्ते डीओपी को सुरक्षा देतिबा सम्यक बापा अभियोग करछन्ति निश्चित चापरे देथिबे काहेकि ना जेतु से डीएफओ 10 वर्ष ला रहिलेली तार मंत्री जंगल विभाग मंत्री सहित हाथ अछि आ तेणु से माने एटा को गोटे षड्यंत्र करी से एसपी कलेक्टर आईआईसी माने सब संपुक्त अछन्ति तेणु सहितपे हमको न्याय मिलुनि न्याय मागुछन्ति सौम्यंक मां गुहारे शुणुनि पुलिस
डीएफओ को घंट घोड़ा जा संगीन अभियोग आनी मुख्यमंत्री को न्याय पर नवेदन कर सौम्य माँ आई डीएफओ को घंट घोड़ा विद्याभारती को घंट घोड़ा एजाए कहीं गिरफ्त करना प्रश्न कर सौम्य माँ ये सब घंट घोड़े ये सब रखुं से आईन काढ़ू ना कोड़े दिन होगा मो पुर मो पु फेर कि मो पुर कि खबर मिललानी अनुरोध करथिनी मुख्यमंत्री भी न्याय मागिथिनी मृत्यु मामलारे विवादरे गजपति पुलिस गजपति एसपी भूमिका को नहीं उठी प्रश्न पुलिस और क्राइम ब्रांच तदंत को नहीं बढ़ुची संदेह आपरी स्थिति राज्य सरकार का पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर विक्रम केसरी आरुक आड़े आंगुली उठा घटना को भिन्न मोड़ सेपटे विद्याभारती को आउ थे जेरा करने गजपति पुलिस प्रक्रिया आरंभ कर सिमुलियार मनोज प्रधान रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज खोलिला नंदनकानन प्राणी उद्यान कोविड नियम मानि भितरक जाउछन्ति पर्यटक तेबे तीन मास परे चिड़ियाखाना खोलिथिबा बेले सीमित संख्यारे प्रवेश करबाको अनुमति मिलिबो। प्रवेश पूर्वरु समस्तंकर तापमात्रा परीक्षा हेउछि मास्क एवं सामाजिक दूरता को गुरुत्व दिया जाइछि। तेबे नंदनकानन प्राणी उद्यान आज खोलिछि कोविड नियम भितरे सबु पर्यटकंकु छडा जाउछि। तीन मास परे चिड़ियाखाना खोलिथिबा बेले समस्तंक भितरे खुशी मध्ये देखिबाको मिलिछि सीमित संख्यारे प्रवेश करबाको अनुमति। आज खोलुछि नंदनकानन प्राणी उद्यान आपण जानिछन्ति कोविड कटकणा पाई बा पीक लेवल रे जेतेबेले द्वितीय लहर रहिथिला सेतेबेले लॉकडाउन आरंभ होइथिला से आधार रे पर्यटन स्थली को पर्यटकों को मना थिला किंतु आश्वस्तिकर कथा आज पर्यटक माने खुशी मध्य व्यक्त करिछन्ति जेहेतु नंदनकानन प्राणी उद्यान तीन मास रो व्यवधान पर खोलिछि मास्क सानिटाइजर बाध्यतामूलक कोविड नियम मानिबे पर्यटक माने भीतर को जिबे किंतु संख्या सीमित रहिछि सीमित संख्या रही पर्यटकों को अनुमति मिलिछि। ए बाबद रे अधिक आलोचना करबा फोन लाइन ने आमर रिपोर्टर कविता जोड़ी होइछन्ति। कविता जेभले भाव आप जानिछन्ति तीन मास परे आज पर्यटकों पर प्राणी उद्यान खुलुछि केते मात्रा रे खुशी व्यक्त करिछन्ति पर्यटक निहाती भाव में जब कहता कि दीर्घ तीन मास परे आज नंदनकानन खोली एवं जो सरकार को पक्षर जो गाइडलाइन रही अगस्त मास से पर्यटन शैली और प्राणी उद्यान खोलवाई निष्पत्ति निया आ स्थिति अनुधान पर आज खोली नंदनकानन एवं जदि कह कि अनुमति तो मिल जाए नंदनकानन खोलवाई कितु विभिन्न प्रकार कटक रही है कहीं ये बैटरी चलित जो जान चले से सबू चलूना बोटिंग अनुमति ना सफारी अनुमति बर्तमान पर्यटन मिले ना खूब शीघ्र करतृपक्ष कहते सहित जी कह कि कटकणा कोविड गाइडलाइन से भी मानवार अच्छे कहीं स्वल्प संख्यक लोक मैंने आसुंट जेहेतु आज खोली कम संख्यक लोक आसुचार मास्क पिंधा बाध्यतामूलक सामाजिक दूरता और सानिटाइज कर बाहर तापर थर्मल स्क्रीनिंग करतर को प्रवेश कर सब बड़ कथा हूँ कि जो मैं थंडा काश ज्वर थो भर को प्रवेश करियम मानवे से गुरुत्व दिखाई करतृपक्ष नजर रखिंट ता सहित जो कह पर्यटन शैली जिते बड़े खोले समस्त आसती प्रियजन मान सहित आसती मजा उठा मस्ती करती जगह मानक जी कह दीर्घ दिन जो प्रथम लहर जिते आसी सात मास बंद रही नंदनकानन और द्वितीय लहर तीन मास पर आज खोली जेहतु नंदनकानन लोक मैंने आसुंच निज खुशी अच्छे कहते टीका नहीं जो मैंने टीका नहीं भितर को प्रवेश कर बहुत बहुत धन्यवाद कविता स्वाई भुवनेश्वर प्रतिनिधि अधिक सूचना दौले किभल भाव में नंदनकानन भितर को छड़ा जाउछि पर्यटकों जो माने टीका नहींचंती सेमाने प्रवेश करिपारिबे ता सहित मास्क सानिटाइजर सामाजिक दूरता रक्षा करिबे सीमित संख्यारे
प्राणी उद्यान भितरक पर्यटक माने जाउछन्ते एवं खुशी मध्य व्यक्त करिछन्ते जेहेतु दीर्घ तीन मास परे खोलिछि नंदनकानन। बुलेटिन समय छोट ब्रेक रो ब्रेक पर देखिबा आउ किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। आपण जानते विद्यां आज पचराउचरा कप्तिपदा थाना पहुंची सारी चारिजिया तदंतकारी टीम एने अधिक सूचना पाई आम सहित अच्छा आम प्रतिनिधि संतोष बाछनी। संतोष जेरा करा विद्यां एवं अनेक दिन व्यवधान तापर पुणी जिते गणमाम खबर प्रसारण है जिते चाप पड़ा पुणी थे चिंता करद्या आउ थे पचराउचरार आवश्यकता अच्छी और कप्तिपदा थाना चारिजिया तदंतकारी टीम पहुंची बर्तमान देखो मुझे कप्तिपदा थाना सम्मुखे रही चारजिया टीम आँची तो अध घंटा पूर्व पहुंचे गोटे विचार विमर्श थाना भितर बर्तमान राज्य में कमुची पॉजिटिव को संख्या किंतु मृत्यु संख्या कमुना पुणि थे अणस्तरी जीवन नहीं भाइरस से खोर्धार 23 कटक 9 पुरी 7 जन मृतक रही मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या पहुंची जा 6102 सेपटे राज्य में 24 घंटे 1129 पॉजिटिव चिन्हट होती संघरोधर 657 स्थानीय अंचल 472 रोगी चिन्हट। विरंची साहू गिरफ परे खोलुची ओएसएससी विभाग गोटिए परे गोटिए गुमर कम मार्क रखिता पिला माने सिलेक्ट होती किंतु अधिक मार्क रखिता पिला होती रिजेक्ट आरटीआई तथ्यर सामना को आसी एक सांघातिक सत 2010 मसीह ओएसएससी जूनियर आसीस्टांट निजुक्ति दुर्नीति केन्द्रापड़ार चिन्मय रखी 177.25 मार्क किंतु नियुक्ति 175 मार्क रखिता प्रार्थी अधिक मार्क रखी अयोग्य घोषित हेले चिन्मय एवं विजिलेंस द्वारस्थ होती चिन्मय केवल विरंची काईक यहाँ पचरे एक बड़ राकेट वर्ष वर्ष धरी काम एवं चाकरी आशाई लक्ष लक्ष टंका लांच आदाय करा जाउछि बोली विभिन्न आड़ अभियोग आसपा आरंभ हो सोमवार राज्य सरकार विरंची विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछन्ति। साधारणतः विजिलेंस चढ़ाओ बेले केही धरा हेले अभियुक्त को चाकरी रु निलंबित करा जाउथबा बेले विरंची को चाकरी रु बाध्यतामूलक अवसर काहीकि से कथा प्रश्न उठिछि। ओडिसा एसएससी रे थिला 2010 मसेर आमे 2010 मसेर प्रि देथिलु मेन परीक्षा देथिलु 2011 2011 जो मेन परीक्षा देलु मोर मेन परीक्षा मु अकृतकार्य हली तापर से आरटीआई रे मो मार्क मागिली आउ लास्ट कैंडिडेट मार्क मागिथिले एससीबीसी मेल कैटेगरी लास्ट कैंडिडेट केते लास्ट कटअप मार्क केते जे सिलेक्टेड होई छी मु बोधे एससीबीसी कैटेगरी रो तेणुकरी मते सेमाने आउ मो मार्कटा खाली देले 177.25 आउ एससीबीसी कैंडिडेट जे सिलेक्ट होई छी लास्ट कैंडिडेट तार मार्क किछि देलेन आउ गोटे मो सांगर मु सेडु तांकर मार्क से आनिथिले से मते कहले कहले अच्छी मो पाखे एससीबीसी मेल कैंडिडेट कटअप मार्क अच्छी 175 मु ये दुईटा कपी नहीं स्टाफ सिलेक्शन ऑफिस चेयरमैन को जाती चेयरमैन को जो देखा कले सी से डाकिले जो देख जहाँ फटो मुझे देखुची मीडिया जो घोटाला कर विरंची नारायण साहू ताकू डाकिले आज जो लेडी जन डाकिले कहले पिलार कौन होमती से आसी दौंती 175 अच्छी मुझे कहली से सब देखे कहे ना आम तो इंटीमेट करूँ आपड़ देते आसी मुझे पूर्व आगुरी देखी से मतलब नहींगले मो हाथ कपी
କହିଲେ 175 କ'ଣ ହେଇଛି ନେଇକରି ଯାଇ ଦେଖିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମୋତେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଦେଲେ ଏଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାହୁକୁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 177.25 75 ଯାଇନି କଟ୍ ଅଫ୍ 177.50 ଯାଇଛି ଯାହାକି ମୋ ମାର୍କ ଠୁ 0.25 ଅଧିକା। ସେଠୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ କିଛି ନପାଇ ମୁଁ ସେଠୁ ସ୍ୟାଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲି ସ୍ୟାଟ୍ରେ। ସେ ସ୍ୟାଟ୍ରେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସେ କହିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋ ମାନେ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ଯେଉଁ କପି ଅଛି ନେଇ ଆସିବେ କୋର୍ଟ ତୁମକୁ ଡାକିବ ସବୁ। ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ହେଲାନି। ତା'ପରେ ତ ଆଜି ପଡ଼ୁନି କାଲି ପଡ଼ୁନି ଏମିତି ତାରିଖ ପାରି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଲା ସେଠୁ ତା'ପରେ ମଝିରେ କହିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସ୍ୟାଟ୍ ଫାଟ ଆଉ ହେଲାନି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। 61 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ, 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ରହିବ କଟକଣା। ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ସେପଟେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମାସ୍କ, ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଅବମାନନା କଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଖୋଲିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ନ ଜମେ ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ମନ୍ଦିର। 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ହାତ ସାନିଟାଇଜେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏନେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କମିଟି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, 3 ମାସ ଉତ୍ତର ମନ୍ଦିରଟା ଖୋଲିଛେ, ଆମେ ମତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁଁ। ଯେନ୍ଥିଲାଗି ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର କରି ଯାଉଥିଲେ, ବାହାରୁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରି ଯାଉଥିଲେ, ଆମକୁ ବାର ବାର ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର କେବେ ଖୋଲ୍ବା କେବେ ଖୋଲ୍ବା। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଚାରବାର କାରଣଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି କାହାର କେମିତି ଦୁଃଖଟେ ପଡ଼ିଥିସି ତ ମାଆକେ ସିଧା ଗୁହାରି କଲେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛେ ଭାବନା ଗୋଟେ ଅଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲା ତ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବି ଦେଖିକରି ଆମେ ବି ସମ୍ଭାଳି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖିକରି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। କାଁ କରିବି ବୋଲି କି କହିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆଇଲେ ତ ଆମେ ପୂଜାପାଠ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ ପୂଜାପାଠ କରୁଛୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଔଷଧ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ହେବାର କଥା ସେ ପ୍ରକାର ତ ଭିଡ଼ ନାଇଁ ହେବାର ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବି ତ ନୁହେଁ ଜାନନ୍ କି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲାନ କି ବନ୍ଦ ଅଛେ ବୋଲିକରି। ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଲା ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍। କାଁ କରି ବୋଲି କହିଲେ, ବାହାରୁ ସବୁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକି ପଲଉଥିଲେ, ମନ୍ଦୁ କରି ପଲଉଥିଲେ, ଆଜି ମାଆକେ ସିଧା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଯେ ଯେନ୍ତା ତାର ହାରି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଆମେ ପୂଜାରୀମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା କି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ମାଆକେ ମୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ମାରି ନାଇଁ ପାର୍ବା ବୋଲିକି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟା ଖୋଲିଲେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ରେଗୁଲାର ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତ କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲେ ନାଇଁ ଆଉଥାଇ ପାରୁଥାଇ ବୋଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଇ। ମଙ୍ଗଳବାର କି ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ଆସୁ। ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟିକେ ବି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହଉଛେ। ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ବି ୟୁଜ୍ କରାହଉଛେ, ବିନା ମାସ୍କରେ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ ନାଇଁନ, ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ। ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦାବିରେ ମହିଳା କମିଶନକୁ ଭେଟିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳିତ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ। ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର SC/ST ଧାରା ଲାଗୁ କରିବା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମଞ୍ଚ। ଏଥିସହିତ ଅନେକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏନେଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛି ମଞ୍ଚ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଛଟୁ ଲାଲ ବେଶ୍ରା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
अभियुक्तक गिरफ करा न्याय पाई दलित अधिकार मंचर राज्य संयोजिका सह मृतकों पत्नी झील महिला कमिशनर को भेटी और गुहारी कर राज्यर विभिन्न जिले विशेषकर एससी एसटी महिला माने जो माने कि वॉइस निजे रेज करने को डिफिकल्ट होने क्या कथा कहने सक्षम ना एमती नुह से माने कैपेबल नुहतं कि स्टार्टिंग अंडर एस्टिमेट कर रखि दि जाएगी इवेन प्राक्टिकल जेहेतु आम ग्राउंड लेवल आम सपोर्ट करने को ट्राई कर पहुँचुचु विभिन्न वुमेन कि कम्युनिटी लेवल रे सेते बेला आमे विशेष कर देखिबा पाउचु जो महिला माने आमे आज तांको पा आसीचु सेमानकर विभिन्न थाना रे पुलिस केस रजिस्टर करू नाहंती तांको दुई तीन मास कोनो वर्ष वर्ष पके कि तांको परेशान करौचंती ता सहित जो महिला मानकर बाय चांस थाना रे केस रजिस्टर भी हे जाउची किंतु सेमानकु उचित न्याय मिलुनी से माने थाना रो तो ऊपर को जाई पर नाहंती जो द्वारा तांकर जो कंपनसेशन अछि सेटा पाइबे तो दूर कथा से माने न्याय पे जो लड़िया को ट्राई करछंती सेतिरे ही तांको हताश कर दिया जाउ कटक महांगारे एनआरजीएस कामरे व्यापक दुर्नीति अभियोग भेला पंचायत रे ग्राम साथी संतोष कुमार राउत और मंजुबाला सिंह निज परिवार लोकों को नारे एकाधिक जब कार्ड करथिबा अभियोग होई छी। कोन भाई कोन असुविधा आइ छी भेडा ग्राम पंचायत लाखो घटना संपर्क रे जानिबा परे ग्रामवासी काम बंद कर दे छेंती रुआ रुआ भाई कांदोनी कांदोनी भाई मुआमे बुझु रुआ रुआ काम सुन 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 मोर जाबे पूरी कांदो जा हे जे काई कांदो हां अच्छी 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 रा हां 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 अच्छी काम भाई कौन कौन हां भाई बता रहा हूं भाई भाई हाउ हाउ कांदना धैर्य धर सब ठीक है जो हां कौन है जी भाई काम पाउनादी सेति पे काम पाउनादी काम होची काम केन पाउनादी काम काई सय काम होउनी पा कोन पे होउनी तो गा साथी आता कार्ड चलाउची तन सय काम होई पन पैसा सर जाउ आधार काम पैसा सर जाउ माने हां हां गा साथी अन्य लोक कार्ड चलेबा द्वारा जा कि पैसा सर जाउ तण कर काम सटे जाउ हां पुनी तम माने कोन चाहौ वर्तमान हम चाहौ हम कार्ड होची हम सय को सय काम निश्चिंत एटा सोहाई कथा सोहाई काम हां ग्राम साथी जो ये करची ना जो हमर घोटाला करची हाँ। नो आसुतिबा लोक आसीगिरी काम हाँ। पैसा उठे नउचंती हाँ। सप्ता शेषे रे हां किंतु आमे काम पाउनु आमे काम करिगिरी पैसा पाउनु किंतु नो आसुया लोक काम करी पैसा नै जाउ हां काम न करी से माने पैसा ले किंतु काम आमे पाउनु काम करिबो काम पाउनु काम देखि हिसाब देखला 30 35 टा काम है तो काम नै काम सरी गला सरपंच को जन सरपंच भद्रक ग्रामांचल थाना हरिपुर छकरे गुलीमाड़ होइछि। गुलीमाड़ करी सुना एवं टंका लुटिछंती दुर्बृत्त। गुरुतर अवस्था रे जने व्यक्ति भद्रक मेडिकल ले भर्ती। लुटेरांक सह धस्ता धस्ती समय आउ जने आहत जहांको चिकित्सा करा जाउछि। सूचना हिसाब रे हरिपुर गांर दादा सुरेश महाराणा एवं तांको पुत्रा मानस महाराणा दुकान बंद करी घर को फेरुथले। ए समय हठात तीन लुटेरा बाइक रे आसिले। मंटू महाराणा को बेकरे थिबा सुना चेन ब्रेसलेट को छड़ाई नैथिले। ए समय रे सुरेश तीन जन लुटेरा को काबू करबा पाई उद्यम करथिले एवं लुटेरा माने तीन राउंड गुली करथिले जोथरे सुरेश को जंघ एवं गोडरे दुईटी गुली बाजिछि। तीन जन लुटेरा को भितर जन को काबू करी पुलिस रे जिम्मा देछंती। घटना रे पुलिस छानबीन आरंभ करछि। तेर वर्षर नाबालिका को बाहा करी दुबई पठेबा योजना पंड हला। बापार अभियोग क्रमे नाबालिका को उद्धार करी पुलिस को हस्तांतर कले बीजेपी नेत्री। झियो को बिक्री करिबार योजना करथला मा। एभले एक सांघातिक घटना सामना को आसीबा परे राउरकेला प्लांट साइड थाना गोपबंधु पल्ली अंचल रे चर्चा जोर धरिछि। नाबालिका बापार अनुपस्थिति रे नाबालिकार मा महाराष्ट्र अंचल कृष्णा मोरिया नामक जने युवक को बाहा करै दुबई पठेबा पई योजना करथला। बापा एथिरे बीजेपी नेत्री प्रमिला दास को सहायता लोडिथिले। बीजेपी नेत्री को सह पुलिस सहायता रे नाबालिका को उद्धार करा जाइछि। ता सहित चाइल्डलाइन को करा जाइछि हस्तांतर। बुलेटिन को इटकबा नमस्कार।